नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। पाकिस्तान के डॉक्टर शकील अफरीदी, आप सोचेंगे कौन है ये, क्या कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ निकाला है मिस्टर अफरीदी ने, या फिर ये शाहिद अफरीदी के भाई हैं? जी नहीं, ये वो अफरीदी हैं जिन्होंने 2011 में आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मारने में अमेरिकी सेना की मदद की थी। जब अफरीदी ने ये काम किया था तब तय हुआ था कि उन्हें करोड़ों रुपये मिलेंगे, लेकिन अब 9 साल बाद यही आदमी पाकिस्तान की एक जेल में कैद है, भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। माने अफरीदी ने जेल में हंगर स्ट्राइक कर दी है, आमरण अनशन। पूरी बात बताते हैं शुरू से। पहले लादेन की मौत और उसमें शकील का रोल जानिए। 11 सितंबर 2001, इस दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था, कई लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। हमले के बाद एक नाम सामने आया जिसका खौफ पूरी दुनिया में फैल गया, अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन। अमेरिका के लिए ये हमला एक बड़ा झटका था। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां, पुलिस और सेना लादेन को ढूंढने में जुट गईं। 10 साल की कोशिशों के बाद ओसामा मिला पाकिस्तान के एबटाबाद में। पता था बिलाल टाउन कंपाउंड, एबटाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान। यहां तक पहुंचने में यूएस की मदद की थी पाकिस्तान के डॉक्टर शकील अफरीदी ने। अब जानिए CIA की शकील ने कैसे मदद की थी। अमेरिका की CIA जी जान से लादेन की तलाश में जुटी थी। लादेन का सुराग पाने के लिए उसका DNA सैंपल मिलना ज़रूरी था, ताकि ये साफ हो सके कि जिस शख्स को ओसामा समझा जा रहा है वो ओसामा है भी या नहीं। ओसामा का DNA सैंपल लाना कोई छोटा काम तो था नहीं, इसलिए CIA ने एबटाबाद में फेक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, यानी झूठा टीकाकरण अभियान। अभियान के लिए भरोसा किया गया डॉक्टर शकील अफरीदी पर। अफरीदी ने CIA को लादेन का DNA सैंपल भेज दिया। इसी के आधार पर ओसामा के एबटाबाद में होने की पुष्टि हुई और वह मारा गया। अमेरिकी सेना ने भी स्वीकार किया था कि उन्हें अफरीदी से मदद मिली थी। खबर यह भी थी कि उन्हें अमेरिकी सेना से इनाम भी मिलने वाला था, 10 करोड़ रुपए का। लेकिन इससे पहले ही शकील पर बड़ा इल्ज़ाम लग गया। ओसामा की मौत के बाद पूरी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान ने ही उसे छिपा कर रखा था। पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। इस शर्मिंदगी की वजह उसने अफरीदी को माना। उन पर देश के अंदर आतंकी घटनाओं में शामिल होने के आरोप लगे। 2011 के आखिर में उन्हें गिरफ्तार किया गया। 2012 में उन्हें सजा भी सुना दी गई, 33 साल की सजा। बाद में उनकी 10 साल की सजा माफ़ कर दी गई, यानी अब वो 23 साल की सजा काट रहे हैं। इस वक्त वह जेल में है। अफरीदी के वकील कमर नदीम बताते हैं कि अफरीदी अब तक 65 बार अपनी सजा के खिलाफ अपील कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जेल में भी वो लगातार खराब व्यवहार की शिकायत कर चुके हैं। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर और अपनी बात को जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने के लिए अफरीदी ने जेल में ही हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी है। अभी हंगर स्ट्राइक कहां तक जाएगी ये देखने वाला होगा, जो होगा वो भी हम आपको बताएंगे। मगर फिलहाल तो आतंकवादी को मारने की रकम अफरीदी को जेल में काट कर बितानी पड़ रही है। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी अभिषेक ने। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बाकी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे हमारा एक नया पेज आया है लटक नाम से। अगर आप कहानी और कविताओं के शौकीन हैं तो उस पेज को जरूर फॉलो करें। शुक्रिया। कविता कहानी के डेली डोज के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें हमारा हैंडल लटक.ललनटॉप। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।